वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सिख धर्म के महत्वपूर्ण अते न्याणे सिद्धांत नूं समझण लई विरसा चैनल कश्मीर वालों विशेष प्रोग्राम सिख धर्म फिलोसफी लैके दास हरलीन कौर हाजिर है। यह प्रोग्राम सिख मिशनरी कॉलेज लुधियाणा वालों पंज भागां विच प्रकाशित पुस्तक सिख धर्म फिलोसफी आधारित है, जिसनों की कौम के महान विद्वान अते सिख मिशनरी कॉलेज के संस्थापक प्रिंसिपल हरभजन सिंह जी वालों कलमबंद किया गया है। गुरु नानक पातशाह दे पावन प्रकाश पूरब ते आओ सतगुरु वालों चलाए गए इस निर्मल ते विरसे नूं समझण दा यतन करके अपने अंदर वसाइए। धर्म दी लोड़। इंसान सामाजिक जीव है अते सुभाविक ही समाज विच रहना पसंद करता है। समाज तद तक ही कायम रह सकता है जे समुची भलाई लई कुछ नियमां उत्ते चलिया जाए अते किसे सदाचारक नियमां वाली दी पालना कीती जाए। सदाचारक नियमां दी पूर्ति लई कई राजसी कानून भी बनाए जांदे हन, पर इह सदाचारक नियम ते कानून मनुख दी अंदरली शख्सियत नूं घड़न विच हर थां सहाई नहीं हुंदे। जिवें मिसाल दे तौर ते काम, क्रोध, लोभ, मोह ते हंकार सदाचारक नियमां अनुसार बुराइयां हन, पर इन्हां तों बचाउण लई केवल सदाचारक नियम जे राजसी कानून दा डर बहुत ही मदद नहीं कर सकदा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, हंकार तों लोकां नूं बचाउण लई राज दे डर तों बिना किसी होर डर दी लोड़ है। इह डर केवल धर्म ही पैदा करदा है। आधुनिक काल विच धर्म दी लोड़ उसी तरह ही महसूस कीती जा रही है जिस तरह अगे महसूस कीती जांदी सी। साइंस दी उन्नति अते शिल्प विज्ञान इंसान नूं स्वय पूर्ण नहीं बना सके अते मनुखी आचरण नूं कायम रखण लई साइंस अते धर्म दी थां कोई नवी किस्म दा जब्त पैदा नहीं कर सकी। नवी रोशनी ने मनुखी अते सामाजिक भलाई नूं मुख रखण दी कोई नवी नियमावली तैयार नहीं कीती जिहड़ी धर्म दी थां लै सके। 19वीं सदी विच इह ख्याल कीता जांदा सी कि साइंस कोई ऐसे नियम बना देवेगी, पर अजे तक साइंस इस विच असफल रही है। इस वेले सब तो उन्नत देश ऐसे फौजी हथियार बना रहे हैं जो वरते गए तो सारी मनुख जाति नूं ही खत्म कर देंगे। इस तो यह सिद्ध होंदा है कि मनुखी भलाई दा आदर्श इस विज्ञानिक उन्नति नूं कोई अपील नहीं करदा जापदा। जे अजकल दुनिया विच कोई ईमानदारी, तरस, दया, पल मानसी जां सोपाणा है तो वह किसी होर कारण करके है, साइंस की उन्नति करके नहीं। चंगे आचरण, मनुखता, सहनशीलता, ख्यालां दी पवित्रता अते नेक नीति दे दुश्मन काम, क्रोध, लोभ, मोह अते हंकार हन। साइंस ने मनुखी इच्छावां नूं घटाया नहीं सगों वधाया है। लोभ अते क्रोध वध्या होया इच्छावां दे संगी हन। इन्हां दोहां ने अगे नालों वधेरे डूंगा रूप धारण कर लिया है। उसका कारण यह है कि मनुखी इच्छावां लोभ अते क्रोध नूं काबू करन लई आत्मक कीमतां जां जमीर दी अंदरली आवाज सुनण दी शक्ति ही घट कर देंदियां हन। आधुनिक साइंस दा ज्ञान काम, क्रोध ते लोभ नूं घटाउण दा यतन नहीं करदा, इस दे उल्ट इन्हां नूं वधाउण दे सामान बड़ी तेज रफ्तार नाल वधाए जा रहे हन। काम, क्रोध ते लोभ दा नंगा नाच हो रहा है। इन्हां बुराइयां नूं काबू करन वाली सिर्फ एक चीज है अते ओह है धार्मिक सोझी। ए आत्मक कीमतां दी सोझी परमात्मा दे ख्याल अते रब दे पै विचों पैदा हुंदी है। सभ्यता दी उन्नति दा कारण ही असल विच ए सोझी है। ए भी ठीक है कि कुछ हद तक शर्म दा डर इंसान नूं बचलनी तो रोकदा है, पर ए शरारत दी जड़ नूं नहीं पहुंचदा। ए शर्म दा डर बाहरलियां हरकतां नूं रोक सकदा है, पर भैड़े विचारां नूं ठीक नहीं कर सकदा। उसदा कारण ए है कि शर्म दा निर्भर जनतक राय उत्ते हुंदा है। ए एक बदकिस्मती दी गल है कि ज्यों ज्यों आदमी लोभ दा शिकार हुंदा चलिया जांदा है, उसे तरह जनतक राय भी ढिल्ली हुंदी चली जांदी है अते शर्म दी सोझी उड़ जांदी है। जनतक राय भी अखीर निजी आचरण विचों ही पैदा हुंदी है। ए एक बुराई दे चक्कर दी शक्ल धारण कर लैंदी है। पैड़े आचरण विचों पैड़ी जनतक राय पैदा हुंदी है अते पैड़ी जनतक राय विचों पैड़ा आचरण पैदा हुंदा है। पैड़े आचरण दा दिखावा ਸਾਡੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਆਚਰਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ,
ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਧਨ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਧਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਹੈ। ਉਹ ਧਰਮ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਕੜਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਠੀਕ ਪੱਖ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਸਭਿਅਤਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੂਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ ਜੋ ਚੰਗੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਆਦਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਝੂਠੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੇ ਨੀਚ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨਾ ਤੇ ਨੀਰੀ ਸਾਇੰਸ ਕੰਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੀਰੀ ਸਦਾਚਾਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਦਾਚਾਰਕ ਨਿਯਮ ਕੁਝ ਦੇਰ ਧਰਮ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ। ਸਦਾਚਾਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਦਾਰਥਕ ਉੱਨਤੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਵੇਰ ਰੱਬ ਦਾ ਯਕੀਨ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਛਾ ਜਾਣਗੀਆਂ।